Dear student, you are most welcome to the class today. Today, we are going to study the further part of the lesson first, the best Krishna present in the world. So, let us see. I think that that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolff said. जिम मैकफर्सन अपनी पत्नी को पत्र लिख रहा है और पत्र में उसने वार एक्सपीरियंस का वर्णन किया हुआ है. जिम मैकफर्सन लिखता है कोनी को, कह रहा कि हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ बोला, आई थिंक मैं सोचता हूँ दैट इज़ वाट, कि यही वो चीज़ है एवरी सोल्जर, जिसे प्रत्येक सैनिक वांट्स, चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का. Hans Wolff said, Hans Wolff बोला, I think that is what every soldier wants on both side. मैं सोचता हूँ यही वो चीज़ है जो दोनों पक्षों का प्रत्येक सैनिक चाहता है. क्या? घर वापस जाना. टेक केयर जिम मैकफर्सन. जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान देना. I shall never forget this moment, nor you. मैं कभी नहीं भूलूंगा दिस मोमेंट, इस क्षण को. नॉर यू, और ना तो तुम. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना तो मैं इस क्षण को भूलूंगा और ना ही तुम. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, अनविलिंगली. आई फेल्ट, ठीक मैं पर्सन कह रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ही सैल्यूटेड, उसने अभिवादन किया, एंड वॉकड अवे, और चला गया, फ्रॉम मी मीन्स मेरे पास से, स्लोली, धीमी गति से, धीरे धीरे, अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक, अनमने से. आई फील, मुझे ऐसा महसूस हुआ. जिग मैकफर्सन कहता है कि ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, अनविलिंगली. जिग मैकफर्सन कहता है कि वह मेरे पास से, उसने मेरा अभिवादन किया और मेरे पास से धीरे धीरे, अनमने से या अनिच्छा से वह चला गया. आई फेल्ट, ऐसा मैंने महसूस किया. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन, ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, एक बार फिर वह अभिवादन करने के लिए, विदा लेने के लिए मुड़ा. वेव मने होता है टाटा बाय करना, अर्थात विदा करना, विदा कहना. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह एक बार फिर विदा लेने के लिए मुड़ा. एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड, और फिर उन सैकड़ों जर्मन सैनिकों में जा मिला. ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स दियर ट्रेंचेज, जो वापस अपने ट्रेंचेज में, अर्थात अपने शिविरों में जा रहे थे. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने एक बार फिर मुझे विदा देने के लिए मुड़ा. एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड ऑफ ग्रे कोटेड्स, फिर उन सैकड़ों जर्मन सैनिकों में जा मिला. हु वेयर मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स दियर ट्रेंचेज, जो अपने ट्रेंचेज की तरफ जा रहे थे. दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, डगआउट मतलब होता है सैनिकों के रहने का स्थान, जो गड्ढा खोद करके उसके ऊपर से कुछ छा दिया जाता है, दैट इज द डगआउट, सरल स्थली, रहने का स्थान. दैट नाइट, कह रहा उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, हमने अपने रहने के स्थान में, अर्थात अपने शिविरों से, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल. कैरोल मीन्स होता है गीत. वी हर्ड देम, हमने उन्हें सुना, सिंगिंग ए कैरोल, एक गीत गाते हुए. दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, अपने शिविरों से, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने उन्हें गीत गाते हुए सुना. एंड सिंगिंग ए क्वाइट ब्यूटिफुली, और बहुत ही खूबसूरती सी, सुंदरता से गाते हुए सुना. इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, इट वॉज, ये जो गीत था वो था स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, ये स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट नाम का गीत था. आवर बॉयज गेम देम इज राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वास्ट, आवर बॉयज, हमारे लड़कों ने, अर्थात हमारे सैनिकों ने, गेव देम ए राउजिंग कोरस, उन्हें उत्साहित करने वाला समूह गान गाया. आप वाइल्ड शेपर्ड वास्ट, वाइल्ड शेपर्ड वास्ट नाम का एक समूह गान गाया उन्हें उत्साहित करने के लिए. आवर बॉयज गेम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वास्ट,
हमारे सैनिकों ने वाइल्ड शेफर्ड वाल्स नाम का एक समूह गान उन्हें उत्साहित करने के लिए गाया। वी एक्सचेंज कैरोल फ्रॉम ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। वी एक्सचेंज, हमने आदान प्रदान किया कैरोल्स गीतों का फॉर ए वाइल, कुछ समय तक हमने गीतों का आदान प्रदान किया, अर्थात पहले जर्मन सैनिक गाते थे और फिर ब्रिटिश सैनिक गाते थे। एंड देन, और फिर वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सभी शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। गुडविल मीन्स अच्छा, शुभ समय। पीस मीन्स शांति भरा। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम लोगों ने समय को व्यतीत किया जो शांतिपूर्ण था और अच्छा था, शुभकामनाओं से भरा हुआ था। ए टाइम आई विल ट्रीजर एज लॉन्ग एज आई लिव। ए टाइम कह रहा है ऐसा समय, आई विल ट्रीजर, जिसे मैं संजो कर रखूंगा, एज लॉन्ग एज, जब तक कि आई लिव, मैं जीऊंगा। ए टाइम आई विल ट्रीजर एज लॉन्ग एज आई लिव। जो मैकपर्सन कह रहा है कि वह ऐसा क्षण था, ऐसा समय था, जिसे जब तक मैं जीवित रहूंगा उसे संजो कर रखूंगा, अपनी स्मृतियों में बनाए रखूंगा। डियरेस्ट कोनी, मेरी प्यारी कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष क्रिसमस के त्यौहार तक, दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमरी। दिस वार कह रहा है यह युद्ध, ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमरी, कह रहा है एक पूर्व और भयावह स्मृति के अतिरिक्त विल बी नथिंग, और कुछ नहीं रह जाएगा। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष क्रिसमस के त्यौहार तक, दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस ए टेरिबल मेमरी, यह युद्ध एक पुराने और भयावह स्मृति के अलावा, याद के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आई नो, जो मैकपर्सन कह रहा, मुझे पता है, फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टूडे, आज जो कुछ भी घटित हुआ, वो सारी चीजें जो आज घटित हुई, उनमें से हाउ मच बोथ आर्मीज, दोनों ओर की सेनाएं कितना अधिक लॉन्ग इच्छा करती थी फॉर पीस, शांति की। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टूडे, कह रहा जो कुछ भी, जो सब कुछ आज घटित हुआ, उन सब में से मुझे जो पता है, हाउ लॉन्ग बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि दोनों तरफ की सेनाएं कितना अधिक शांति बनाए रखने के लिए इच्छित थी, उत्सुक थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्द ही साथ होंगे, अर्थात मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, मैं इस बात पे पूर्णतः निश्चित हूं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि हम जल्दी एक साथ होंगे। आज के लिए, हाँ, योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम, आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।